हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एंड फीचर्स का यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 8 बना रहे हैं। तो जो हमारा पार्ट नंबर 7 था, यानी कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने कहाँ तक अपना नेव तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर फंड फैक्ट शीट से हमें अपना स्टार्ट करना है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर फंड फैक्ट शीट। तो देखो, आफ्टर एन इन्वेस्टर हैज़ एंटर्ड इन टू अ स्कीम, ही मस्ट मॉनिटर हिज इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। दिस कैन बी अचीव्ड बाय गोइंग थ्रू द फंड फैक्ट शीट। ठीक है, दिस इज़ अ मंथली डॉक्यूमेंट विच ऑल म्यूचुअल फंड हैव टू पब्लिश। यानी कि अगर जो भी एक इन्वेस्टर है, अगर वो किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्कीम में अगर एंटर करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपने इन्वेस्टमेंट जो उसने करी है, उसे रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ता है। यानी कि उसे रेगुलर टाइम पीरियड पे रेगुलरली क्या करना पड़ता है, उसे अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो किस हिसाब से चल रही है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस तरह से उसे मॉनिटर करना पड़ता है कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो इस तरह से वो मॉनिटर करता है। सो अब ये सारी जो चीज़ें वो इन्वेस्टर कैसे अचीव कर सकता है, उसके पास अगर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो मंथली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिश करता है, जिसे हम बोलते हैं फंड फैक्ट शीट। अब फंड फैक्ट शीट में क्या होता है कि जो हमारा फैक्ट शीट, फंड फैक्ट शीट मतलब आपने अपना फंड लगाया, अब आपको एक फैक्ट शीट मिल रही है, इन द सेंस कि वो एक मंथली डॉक्यूमेंट म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। उसमें क्या होते हैं, डिटेल्स होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, जिसे पढ़कर इन्वेस्टर्स अपनी जो भी उनकी स्कीम है उसके बारे में जान सकते हैं। तो जैसे दिस डॉक्यूमेंट गिव ऑल डिटेल्स एज रिगार्ड, पहला दिया है द AUMs ऑफ ऑल स्कीम्स। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड है, अब उसकी कोई एक स्कीम तो होगी नहीं, एक से ज़्यादा ही स्कीम होंगी, तो उसका AUM क्या है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, उसने जो भी उसकी जितने भी स्कीम्स हैं उन सबको मिला के उसका कितना असेट है। जैसे कि अगर एक स्कीम है तो जैसे कि सर छोड़ो, अगर मैं कहूँ कि उसके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और सबका मिला के AUM क्या आ रहा है, 1600 करोड़ का आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो AUM है वो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसकी सारी स्कीम्स मिला के उसमें कितना AUM है। सेकेंड पॉइंट है टॉप होल्डिंग इन ऑल द पोर्टफोलियोज ऑफ ऑल द स्कीम। अच्छा देखो, टॉप होल्डिंग इन ऑल द पोर्टफोलियोज, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें क्या होती है, हमारी टॉप होल्डिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी होल्डिंग्स होती हैं जो ज़्यादातर हमारी जो भी स्कीम्स हैं उनमें हमें मोस्टली हमें जो अच्छी अच्छी स्कीम्स होती हैं ना, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, देखिए अगर हमारी एक स्कीम है, दो स्कीम है, दस स्कीम है, 15 स्कीम है, तो उनमें से जो भी हमारी अच्छी अच्छी टॉप की होल्डिंग्स होती हैं, यानी कि जो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो इन्वेस्टर्स को मोस्टली पसंद आती हैं, तो वो टॉप होल्डिंग्स जो है हमारे पोर्टफोलियो में हमें शो की जाती हैं। ठीक है, अब सॉरी अगर कैमरा हिल गया हो तो। अच्छा देखो, थर्ड पॉइंट दिया है लोड्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है और लोड्स क्या है। लोड्स अगर मैं आपको कहूँगा, अब आप लोड का मतलब ऐसा समझोगे कि आप पे किसी ने वजन डाल दिया, तो कुछ ऐसा ही होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम हमने कितना अपना पैसा लगा रखा है। तो और फोर्थ पॉइंट हमें दिया है परफॉर्मेंस ओवर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ईयर एंड ऑल्सो सिंस लॉन्च, यानी कि जो भी हमारा म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जब जिस टाइम से वो लॉन्च हुई है और अगर आपने आज उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो अगर आप उसके पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहो तो आप उसका प्रीवियस 1 ईयर, प्रीवियस 3 ईयर और प्रीवियस 5 ईयर्स को क्या कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की इस पर्टिकुलर स्कीम ने पिछले 5 सालों में किस तरह से परफॉर्म किया है, और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर ये कैसा परफॉर्म करेगी स्कीम। अगर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंपैरिजन ऑफ स्कीम्स परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क इंडेक्स ओवर द सेम टाइम पीरियड। यहाँ क्या दिया है, इतना बड़ा यहाँ दिया है मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद अ बेंचमार्क इंडेक्स सच एज निफ्टी 50। यानी कि अब आपने कोई भी एक म्यूचुअल फंड में स्कीम निकाली है, तो अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो तो कैसे करोगे, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, है ना, यानी कि कंपनी ने अपने पिछले टाइम में कैसा परफॉर्म किया है और उसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या रहा है, यानी कि उसने एक बेंचमार्क प्रोवाइड किया होगा ना, 10% का रिटर्न या 5% का रिटर्न या 27% का रिटर्न, तो वो उसका बेंचमार्क क्या रहा है। तो जो भी स्कीम्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, अब ऐसा नहीं कि एक स्कीम का देख रहे हो आप 5 साल का रिटर्न
और एक स्कीम का देख रहे हो एक साल का रिटर्न, नहीं सेम टाइम पीरियड में दोनों स्कीम्स ने किस तरह से हमें बेंचमार्क यहाँ पर प्रोवाइड किया और किस तरह की परफॉर्मेंस स्कीम्स ने दी है। तो यहाँ पर लोग अगर म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर किससे करते हैं, ज़्यादातर वो निफ्टी 50 के बेंचमार्क से अपने इंडेक्स का बेंचमार्क यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट दिया है फंड मैनेजर आउटलुक, यानी कि अब जो फंड मैनेजर है वही क्या करता है, हमारे डिसीजंस लेता है और वही क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में। तो अब बताओ फंड मैनेजर का आउटलुक क्या होगा, यानी कि इन द सेंस कि फंड मैनेजर किस हिसाब से अपनी कंपनी संभालता है, किस हिसाब से हमारे स्कीम्स में पैसा लगवाता है, तो उसका आउटलुक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसने गलत जगह पैसा लगवा दिया तो हमारा तो घाटा हो जाएगा, हमने तो कुछ नहीं किया। बट अगर सोचोगे एक फंड मैनेजर अच्छा बुद्धि वाला आ गया और उसने हमारा पैसा एकदम सही सही जगह लगवाया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बट हम आगे भी इसे इन डिटेल पढ़ेंगे अपने जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उनमें। बट एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आपको कितना, मतलब जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कितना खर्चा पानी देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो है ना कि मतलब अब जो लोग वहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं वो भी तो कुछ अपना पैसा लेंगे ना, तो वो एक्सपेंस रेशियो में आ जाता है कि उनका क्या खर्चा पानी हर कोई इन्वेस्टर दे रहा है 0.1%, 2%, ज़्यादा 2.5 से आई थिंक कोई ज़्यादा नहीं लेता, बहुत इस अगर 2.5 ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है हमारा, है ना, 1 के अंदर रहे तो ठीक है। अब देखो आगे दिया है अच्छा पोर्टफोलियो टर्नओवर तो रह गया, पोर्टफोलियो टर्नओवर। अब ये पोर्टफोलियो टर्नओवर हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है, एक्सपेंस रेशियो भी हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है, बट फिर मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूं कि एक्सपेंस रेशियो जो हमारा खर्चा होता है और पोर्टफोलियो टर्नओवर यानी कि पूरे साल में जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है, जो उसकी स्कीम है, उसने कितनी बार स्टॉक्स को खरीदा और कितनी बार स्टॉक्स को बेचा, ये हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर होता है, दैट्स इट। आगे दिया है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी कि अगर रिस्क है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, मतलब इतना हाई रिस्क का मतलब ये नहीं आपको पैसा डूब जाएगा, मतलब रिस्क है तो अब उस रिस्क को एडजस्ट करने के बाद आपको कितना रिटर्न आपको प्रोवाइड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये जब मार्केट डाउन होती है तो भी तो रिस्क ही होता है ना कि कितने लोगों को उनका पैसा बहुत लॉस में चला जाता है, तो उनके लिए तो रिस्क हो गया यहाँ पे। तो अब अगर रिस्क है भी तो भी स्कीम किस तरह से उस रिस्क को एडजस्ट करके अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, वो है ना। आगे दिया है दिख तो रहा है ना आपको, हाँ आगे दिया है इक्विटी डेप्ट स्प्लिट फॉर स्कीम्स, यानी कि अगर आपको जैसे इक्विटी और डेप्ट में हम क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर इक्विटी और डेप्ट में अगर हम स्प्लिट कर दें फॉर स्कीम्स, यानी कि जैसे हम स्टॉक स्प्लिट करते हैं ना, तो ऐसे हम इक्विटी और डेप्ट को भी, डेप्ट की स्कीम्स और इक्विटी की स्कीम्स को भी क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं। तो वो अभी आप सोचोगे YTM क्या आ गया, ये YTM आपका दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, क्योंकि पर अभी आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही अभी आपके क्लास में है, तो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वरना आप चाहो तो इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। YTM पूरा का पूरा एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिससे आपका ना तो सर लेना है, ना पैर लेना है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, है ना। तो YTM बस अभी आप ऐसे समझ लो कि एक टर्म है, बट YTM एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। YTM फॉर डेप्ट पोर्टफोलियो एंड अदर इन्फॉर्मेशन विच द म्यूचुअल फंड कंसिडर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल फंड जो है ना, ये फंड फैक्ट शीट में यहाँ पे हमें और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है जो म्यूचुअल फंड को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसीजन लेने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट वे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम ये जो यहाँ पे ये दे रखा है लाइन इसे पढ़ लेते हैं। इन अ नेट शेल द फंड फैक्ट शीट इज़ द डॉक्यूमेंट विच इन्वेस्टर्स मस्ट रीड अंडरस्टैंड एंड कीप देमसेल्फ अपडेट विद, यानी कि अब आप इतना जो अबाल बबाल पढ़ के आए हो ना, इतने सारे पॉइंट्स पढ़ के आए हो, तो उस सब को अगर हम इन शॉर्ट समराइज करें तो एक नटशेल में अगर हम क्या करें, नटशेल इन द सेंस कि अगर हम छोटा करके आप पूरा आपको बता दें, छोटे कम शब्दों में समझाएं, तो फंड फैक्ट शीट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टर्स को ज़रूर रीड करना ही चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे अंडरस्टैंड कर सके, अपने साथ उस डॉक्यूमेंट को रख सके और अपने आप को क्या रखें, अपडेट रख सके। अब जैसे आप फ़ोन को अपडेट करते हो ना ताकि सारे नए नए फीचर्स आ जाए, तो ऐसे ही आप खुद को भी अपडेट रखना कि हमारी स्कीम्स में क्या नया हो रहा है, क्या नए कुछ अगर कुछ बदलाव आया है तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या दिया है, व्हाट आर एक्सपेंसेस अकर्ड इन रिलेशन टू अ स्कीम, स्कीम नहीं है स्कीम है ये, बस शायद आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये लो मैंने इस मिसप्रिंट को ठीक कर दिया, ठीक है
अगर आपके में भी मिसप्रिंट है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। देखो, व्हाट आर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ रिलेशनशिप रिलेशन टू अ स्कीम, यानी कि कुछ खर्चे भी, खर्चे जैसे खर्चे पानी होते हैं ना, आप लोगों के भी हैं, आपके माँ बाप के भी हैं, परिवार वालों के भी हैं, रिश्तेदारों के भी हैं, और हमारे पड़ोसी अड़ोसी के भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी के भी हैं, दोस्तों के भी हैं, दोस्तों के तो ख़त्म ही नहीं होते हैं खैर, पर चलो छोड़ो। अगर आपके खर्चे देखे जाएँ जो आपकी स्कीम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या है, वो दो टाइप के हैं। पहला क्या है, इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, और दूसरा हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब इन्हें क्या करना है, हमें खर्च नहीं करने, हमें पढ़ने हैं। देखो, दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हेन द NFO इज मेड, दीज नीड टू बी बोर्न बाय द AMC, यानी कि ये इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने इनिशियली कोई नया मैं कहूँ कि अगर आपने कोई NFO यहाँ पे बनाया है, एक नया फंड ऑफर अगर आप ला रहे हो, नया फंड ऑफर ला रहे हो आप मार्केट में, तो उसका जो भी खर्चा होगा, है ना, उसका जो भी शुरुआत में आने वाला खर्चा है, वो कौन उठाएगा, वो उठाएगा हमारा AMC भैया। वाओ, नहीं नहीं, अगर आप ये अभी तो अच्छा अच्छा लग रहा है ना कि सारा खर्चा AMC उठा रहा है, थोड़ी देर में अभी हकीकत पता चलेगी। देखो, अगर आप एक नई नई स्कीम लाते हो, तो उस नई स्कीम से रिलेटेड जो भी उसके इनिशियल खर्चे हैं, वो क्या उठाता है, वो AMC उठाता है। अब अगर हम रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात करें, तो दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड रेगुलरली, दीज इंक्लूड, पहला, फीस पेड टू ट्रस्टीज, कस्टोडियन, ऑडिटर, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, सेलिंग। अच्छा देखो, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, रिकरिंग एक्सपेंसेस में आता है वो एक्सपेंसेस जो हमारे रेगुलरली यहाँ बनते ही रहते हैं। जैसे कि अब NFO जो है वो कभी लॉन्च हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो इसका तो कुछ पक्का है नहीं कि ये होगा ही होगा, या ये खर्चा हमारा आएगा ही आएगा। लेकिन ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है ना, ये हमारे रेगुलर बेसिस पे आता है। जैसे कि हमें ट्रस्टीज़ को फ़ीस पे करनी है, कस्टोडियन को फ़ीस पे करनी है, ऑडिटर्स को, रजिस्ट्रार को, ट्रांसफ़र एजेंट्स को, इन सभी को फ़ीस पे करनी है। खैर, इन्हें पे कौन करता है, इन्वेस्टर्स ही करते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग एंड कमीशन एक्सपेंसेस, यानी कि अगर आपने अपना अपने जो भी स्कीम है उसको सेल किया, उसके बाद जो प्रॉफिट मिला, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कमीशन एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, कमीशन देना पड़ता है, है ना। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ भी खरीदते हैं ना, तो भी आपको कमीशन देना पड़ता है। थर्ड पॉइंट दिया है लिस्टिंग फीस एंड डिपॉजिटरी फीस, यानी कि अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराते हो और डिपॉजिटरी में अगर आप रखते हो अपनी सिक्योरिटीज़ को, और तो कहीं रख भी नहीं सकते, तो उसकी भी फ़ीस चार्ज की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिपॉजिटरी में अपनी सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। अब सोचो कि आपने भी रखी है और लाखों लोगों ने रखी है, अब किसी को बेचनी है अपनी सिक्योरिटी, तो वो उसका सारी डिटेल्स लेंगे, उससे मांगेंगे डिपॉजिटरी में से, उसका ही शेयर निकालेंगे, फिर उतने ही शेयर्स उसके बेचेंगे जितने उसने कही है, तो इसमें ना काफ़ी झंझटबाजी होती है, उन लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए वो यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं। आगे दिया है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, यानी कि अब जो इन्वेस्टर है ना, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, अब वो तो भैया राम जी तो जानेंगे, जो ये कंपनी चलाते हैं उन्हें भी पता होती है कि इन्वेस्टर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी हमें पे करने पड़ते हैं, और सर्विस टैक्स। अब भैया इतनी सर्विस उठा रहे हो तो टैक्स दोगे ही दोगे, है ना, तो टैक्स देनी अच्छी बात है, टैक्स किसी का मार देनी है, ठीक है, गलत बात, अगर आप टैक्स नहीं पे करते तो टैक्स पे करना चाहिए। अच्छा देखो, सेबी हैज़ क्लियरली ले डाउन लिमिट्स फॉर एक्सपेंसेस दैट कैन बी चार्ज टू अ स्कीम, द लिमिट्स फॉर स्कीम अदर देन इंडेक्स स्कीम्स आर एस फॉलो, यानी कि अब देखो ये इतनी सारे जो यहाँ पे हम पे चार्ज लग रहे हैं, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, अब क्या पता एक म्यूचुअल फंड हमसे ज़्यादा खर्चा मांग रहा है, एक म्यूचुअल फंड हमसे कम खर्चा मांग रहा है, अब हमें क्या पता कौन सही मांग रहा है कौन गलत मांग रहा है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, सेबी ने क्या कर रखा है, अपने खर्चे जो हैं यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, इतनी ही लिमिट है, आप इससे ज़्यादा अपना एक्सपेंस आप नहीं बढ़ा सकते, इतनी ही लिमिट में आपको अपने खर्चे कराने पड़ेंगे। तो इंडेक्स स्कीम को छोड़ के बाकी सारे स्कीम्स हमें यहाँ पे स्कीम के खर्चे में दे रखे हैं। तो जैसे कि अगर नेट असेट्स, यानी कि अगर आप सोच लो कि किसी भी एक स्कीम का नेट असेट क्या है, अप टू 100 करोड़ है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 100 करोड़ तक है, ठीक है, अप टू 100 करोड़ तक है, तो उसकी इक्विटी स्कीम्स का मैक्सिमम यहाँ पे मैं बता रखा है कि जो उसका मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो है वो कहाँ तक जाएगा, 2.50% तक, और अगर कोई डेब्ट स्कीम है तो उसका कहाँ तक जाएगा, 2.25% तक, ठीक है। नेक्स्ट रुपीज़ 300 करोड़, यानी कि अगर 300 करोड़ से ज़्यादा का अगर क्या है नेट असेट्स है किसी एक स्कीम के, तो आप देखो आप ऐसे खुद ही चेकआउट कर सकते हो, मैं क्या एक एक बताऊँ, आप देख लो ऐसे ही। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करके ये परसेंटेज डिफाइन कर रखे हैं कि इतना इतना परसेंट आप मैक्सिमम यहाँ पे एक्सपेंस को चार्ज कर सकते हैं। अब देखो अगर हम अपने पॉइंट्स देख लें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी, तो देखो जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है, देखो पढ़ के बताती हूँ मैं। पहला पॉइंट दिया है द अबव परसेंटेज आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज डेली नेट असेट्स ऑफ द स्कीम, द एक्सपेंस लिमिट्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट फीस फॉर इंडेक्स स्कीम इंक्लूडिंग
एक्सचेंज ट्रेड इज़ 1.5% ऑफ एवरेज नेट असेट, यानी कि जो भी हमारा एक्सपेंस लिमिट है ना, यानी कि ऑन एन एवरेज डेली नेट असेट पे क्या किया जाता है, हमारी ये परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑन द एवरेज डेली नेट असेट, अब डेली नेट असेट्स पे हमारा क्या होता है, ये परसेंटेज को कैलकुलेट करता है, पर कैलकुलेट आपको नहीं करना है, ये जो कंपनी लोग चलाते हैं वही वहाँ पे सब कुछ करते रहते हैं। तो अब इसमें जैसे कि जो हमारी मैनेजमेंट फीस हो गई है ना, और ये हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, इन सब का जो मैक्सिमम एक्सपेंस लिमिट है वो क्या है, वो हमारा 1.5% है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सेकंड दिया है, इन केस ऑफ अ फंड ऑफ फंड स्कीम द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम इंक्लूडिंग वेस्ट एवरेज ऑफ चार्जेस लेव्ड बाय अंडरलाइंग स्कीम शैल नॉट एक्सीड 2.5% ऑफ द एवरेज डेली नेट असेट ऑफ द स्कीम। अच्छा क्या बोलिए इन्होंने, अच्छा इन्होंने बोला है कि जो हमारा फंड ऑफ फंड स्कीम है ना, उसका अगर हम टोटल एक्सपेंस देखें तो उसका क्या है, वो 2.5% से ज़्यादा नहीं जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी 2.50%, इससे ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो ऑन कैलकुलेटिंग एवरेज डेली नेट असेट वो कैलकुलेट करने के बाद 2.5% से ज़्यादा वो हमसे एक्सपेंस यहाँ पे नहीं, एक्सपेंसेस जो हैं वो हमसे नहीं मांग सकते हैं। आगे में दिया है, तो देखो क्या दे रखा है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। इन एडिशन टू लिमिट स्पेसिफाइड द फॉलोइंग कॉस्ट और एक्सपेंसेज मे बी चार्ज टू द स्कीम्स नेमली, यानी कि आप देखो हम खर्चे पानी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े बहुत और खर्चे दे रखे हैं जो हमें जान लेने चाहिए और जो कि हमसे क्या है, जो खर्चे हमसे कभी कभार चार्ज किए जाते हैं। तो जैसे कि ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये तो हमें अच्छे से पता है ना, तो ब्रोकरेज एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड एंड इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 0.212% इन केस ऑफ कैश मार्केट ट्रांजेक्शन एंड 0.05% इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट देख रहे हो, तो अगर आप कैश मार्केट से ट्रांजैक्ट कर रहे हो है ना, एक होती है स्टॉक मार्केट, एक होती है कैश मार्केट, सॉरी एक होती है स्टॉक मार्केट, एक होती है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स। तो अगर आप कैश मार्केट से क्या कर रहे हो, अपनी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो 0.12% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट से अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्ट कर रहे हो, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, सॉरी ट्रांजेक्शन नहीं, अगर आपके जो ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो 0.05% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपको परसेंटेज समझ नहीं आ रही ना, तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि जैसे अगर आप में 100,000 रुपये हैं और उसकी 1%, तो 100,000 रुपये में से अगर आप 1% निकालोगे तो आपका क्या आएगा, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, ठीक है। अब इसका 1% यानी कि 1/100, तो यहाँ से 2 जीरो काट दो, यानी कि 100,000 की 1% आ गई आपकी 1,000 रुपये। तो यानी कि 100,000 में से अगर आपको 100,000 का बेनिफिट होता और आपने 1% का क्या दिया, ब्रोकरेज दे दी, तो यानी कि आपको सिर्फ 99,000 ही मिलेंगे, 99,000 ही मिलेंगे, उसमें से 1,000 क्या होगा, ब्रोकरेज कट जाएगी। ये हमें यहाँ पे समझा रखा है। अब देखो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो हमें हमारा लास्ट पॉइंट दे रखा है, एडिशनल एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग 0.20% ऑफ डेली नेट असेट ऑफ द स्कीम। यानी कि अगर हमारे इन सब स्कीम्स इन सब एक्सपेंसेस के बाद अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस है, जो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिख रखे, क्योंकि सारे के सारे खर्चे तो वो यहाँ नहीं लिखेंगे ना, तो अगर कुछ ऐसे खर्चे हैं तो वो क्या है, 0.20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई एडिशनल खर्चा आ भी जाता है, तो वो अपने इन्वेस्टर से कितना मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 0.20% से ज़्यादा वो अपना खर्चा नहीं मांग सकते हैं, इतने परसेंटेज तक ही वो अपना खर्चा मांग सकते हैं। आगे देखो, अरे मेरी पेंसिल चली गई। एनी एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स स्पेसिफाई अबव शैल और शैल बी बोर्न बाय द असेट मैनेजमेंट कंपनी और बाय द ट्रस्टीज और स्पॉन्सर्स। यानी कि अगर अब ये इतने सारे खर्चे हमें बताने के बाद, अगर फिर भी इन केस क्या होता ही है ऐसा, कि अगर इन सब खर्चों के बाद भी जो हमारे खर्चे हैं, जो एक्सेस एक्सपेंडिचर्स हैं, अब सब कुछ ही ये लोग इन्वेस्टर से मांग लेंगे, इन्वेस्टर तो वैसे ही नंगा हो जाएगा है ना। तो अगर जो भी एक्सेस में जो खर्चे रह गए हैं, जो और बाकी के बचे हुए खर्चे हैं, वो सब कौन उठाता है, वो सब उठाती है हमारी असेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टीज और स्पॉन्सर्स। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि सब कुछ आपसे नहीं मांग रहे हैं, उसमें से कुछ खर्चा जो है वो हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC और ट्रस्टीज और स्पॉन्सर्स यहाँ पे उठाते हैं। सो म्यूचुअल फंड AMC शैल लॉन्च न्यू स्कीम्स अंडर अ सिंगल प्लान एंड इंश्योर दैट ऑल न्यू इन्वेस्टर्स आर सब्जेक्ट टू सिंगल एक्सपेंस स्ट्रक्चर। इन्वेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड एज पर अर्लियर एक्सपेंस स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी सब्जेक्ट टू सिंगल एक्सपेंस स्ट्रक्चर फॉर ऑल फ्रेश सब्सक्रिप्शंस। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि देखो जैसे कि म्यूचुअल फंड है ना, वो अगर जैसे उसने एक स्कीम आज लॉन्च करी, अब उसके जितने भी खर्चे हैं वो आपने पे कर दिए, अब सोचो कुछ टाइम के बाद उसने एक नई स्कीम ला दी है ना, उसने कुछ नया स्कीम ला दिया तो उसका भी कुछ खर्चा होगा, वैसा नहीं कि बार बार आपसे खर्चा मांगता रहेगा ना। अब जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो उसका पैसा देंगे, आपने एक टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आपने एक बारी खर्चे दे दिया, बार बार नहीं आप पैसा देते रहोगे। तो अगर जो इन्वेस्टर्स पहले से हैं उन्होंने अगर देखो नई स्कीम आती है, आपने पैसा लगा दिया, ऊपर से आपने अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो भी आपने दे दिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई और नया एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे ना वही यहाँ पे क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को देंगे, वो भी एक ही बार देंगे, वो भी 10 बार नहीं देंगे। सो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले से ही क्या कर लिया है, ये सारे खर्चे उठा लिए हैं, तो अब वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, विल बी सब्जेक्ट टू सिंगल एक्सपेंस। वो बस एक ही बार क्या है, एक ही बार आप खर्चा देते हो अपने नए सब्सक्रिप्शंस के लिए, आप एक ही बार खर्चा दोगे, उसके बाद जो भी नए सब्सक्रिप्शंस आते हैं ना उसके लिए आपको अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप फूटी कौड़ी नहीं दोगे। अच्छा देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंस रेशियो। एक मिनट बस दिख तो रहा है ना, हाँ तो यहाँ देखो एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या दिया है, एक्सपेंस रेशियो यानी कि व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो हमारा खर्चा पानी जिसकी इतनी देर से बात चल रही है वही। तो देखो अमंग अदर थिंग्स दैट एन इन्वेस्टर मस्ट लुक बिफोर फाइनलाइजिंग अ स्कीम इट दैट इज दैट ही मस्ट चेक आउट द एक्सपेंस रेशियो। अब आपने सब कुछ देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख ली, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्कीम में करना है, कितना पैसा लगाना है, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब इस सब को देखने के बाद आपको क्या करना है, अपना एक्सपेंस रेशियो भी चेकआउट करना है कि आपको खर्चा कितना देना पड़ रहा है, आप ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा पे आउट कर रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे जो स्कीम है उसमें आपको 1% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है और सेम स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड में लेकिन उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 0.8% का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे 1% में आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, 0.8 में आपको खर्चा कम देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी चेकआउट कर लेना चाहिए। भाई एक्सपेंस रेशियो होता क्या है वो हम समझते हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर एक्सपेंस रेशियो, तो इसे ज़रूर पढ़ लिया करो, ये काफ़ी अच्छा होता है। देखो एक्सपेंस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेंस अकर्ड बाय अ स्कीम टू इट्स एवरेज वीकली नेट असेट। इट मीन्स हाउ मच ऑफ इन्वेस्टर्स मनी इज गोइंग फॉर एक्सपेंस एंड हाउ मच इज गेटिंग इन्वेस्टेड। दिस रेशियो शुड बी लो एज पॉसिबल। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, वो आपका खर्चा होता है कि आपने जिस भी एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसमें अगर जैसे आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आप 10,000 में से आपका इन्वेस्ट कितना करना है और बाकी अपने पास रखना कितना है। इन द सेंस कि अगर आपने 1,00,000 रुपये सोचो आपने इन्वेस्ट करे, अब 1,00,000 में से आपने अगर 1% का आपका क्या है एक्सपेंस रेशियो है, तो 1,00,000 रुपये में से आपका सिर्फ और सिर्फ 99,000 क्या होगा इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी का जो 1,000 है वो क्या है, वो है आपका एक्सपेंस यानी कि वो है उन लोगों की फ़ीस। आप ऐसा समझ सकते हो कि वो उन लोगों की फ़ीस है, तो वो आपसे 1% जो है वो काट लेंगे आपके 1,00,000 में से, यानी कि 1,000 रुपये वो अपने पास रखेंगे, 99,000 क्या करेंगे इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी कि इसका एक्सपेंस रेशियो का ये मतलब है कि आपका कितना तो पैसा एक्सपेंस में लगाना है और बचा हुआ कितना पैसा आपका इन्वेस्ट करना है। तो जितना हो सके अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम है उतना ही ज़्यादा आपके लिए स्कीम क्या है प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे में ही चला जाएगा तो आपको तो रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन अगर आपका रिटर्न ज़्यादा करना है तो आपको अपना एक्सपेंस रेशियो लो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे देखे थे अज्यूम दैट अ स्कीम, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि सोचो कि एक स्कीम है जिसकी एक एवरेज वीकली नेट असेट क्या है 100 करोड़ की है ना, और द स्कीम इंश्योर्स ₹1 करोड़ एंड एनुअल एक्सपेंस। अब देखो 100 करोड़ का क्या है उसका एवरेज नेट असेट है, एवरेज वीकली नेट असेट है, और 1 करोड़ का क्या है उसका एनुअल एक्सपेंस है। तो यानी कि 1/100 अगर आप निकालो तो आपका 1% का क्या आ रहा है, 1% का तो आपका एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। देखो 1/100 यानी कि आपको क्या करना है, जो आपकी स्कीम का स्कीम है उसका जो भी प्राइस है वो 1 करोड़, और आपका जो वीकली नेट असेट है उसे रखो और उसकी परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो देखो 100 से 100 कटा, यानी कि 1% का आपका क्या एक्सपेंस रेशियो है। तो यानी कि सोचो कि 100 करोड़ में से आपका 1 करोड़ क्या हो गया, आपका यहाँ पे ठिकाने लग गया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रखा है, ऐसा ही सेम एग्जांपल हमें यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है, अगर आप चाहो तो इसे भी रीड आउट कर सकते हैं, बट मैं अभी एक मिनट इसे ठीक कर दूँ पहले, अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ अगर हम देखें क्या दे रखा है, मैं ये देखो अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ क्या दिया। देखो
इफ दिस स्कीम परफॉर्म वेल एंड इफ, अच्छा देखो मैं आपको सीधे सीधे बता देना क्या पढ़ना। देखो कि सोचो कि पहला अभी स्कीम का AUM है, क्या AUM है अभी इसका 100 करोड़ का। अब सोचो कि AUM जो है नेक्स्ट ईयर बढ़ गया इसका अच्छे से, मतलब ये स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो AUM इसका इंक्रीज हो गया, वो हो गया 150 करोड़ का। और इसका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ गया, वो हो गया इसका अब 2 करोड़ का। तो अब क्या करोगे, अब सेम आपको प्रोसेस करना है, जो आपका एक्सपेंस है वो डिवाइडेड बाय जो आपका AUM है, डिवाइड कर दो। आप परसेंटेज निकालिए तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ जाएगा 3 जा 15 और 2 जा 10, अब 2 2 जा 4 बाय 3 डिवाइड करो तो 1 पॉइंट आपका क्या जाएगा, देखो परसेंटेज दे रखे 1.33। तो पहले क्या था, पहले था आपका 1% का, देखो पहले एक्सपेंस रेशियो 1% था, अब और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे यानी कि अगर आप कंपेयर करो तो देखो, अब आप इन दोनों में से देखोगे ना तो आपका ये वाला कम आपको पड़ेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो। बट अगर आपको कहीं पे 0.8 या फिर 0.5 दिखता है तो देखो 1% से तो कम है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कम है, तो यानी कि जनरली यहाँ पे हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, होगा ज़्यादा होगा। जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होगा वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो इट इज़ नॉट इनफ टू कंपेयर अ स्कीम। अच्छा देखो, मैं अब ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखो और इन्वेस्ट कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर देख के नहीं करते, बहुत सारे फैक्टर्स देख के करते हैं। सोचो कि अगर एक एक्सपेंस रेशियो एक स्कीम का बहुत कम है, 0.5% है, लेकिन वो स्कीम ही बेकार है जो चलेगी नहीं, या फिर बेकार स्कीम है जो अच्छी नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस स्कीम का, है ना। तो ऐसे ही जो एक्सपेंस रेशियो है ना, सिर्फ उसे देख के ही, कंपेयर करके ही अलग अलग स्कीम्स में मत इन्वेस्ट किया करो। बट इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे क्या, एक फैक्टर है जिसे हमें डिफरेंट टाइम पीरियड पर चेकआउट करते रहना पड़ता है, जो कि हमें बताता है कि अगर हम क्या करें, अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो कम होगा यानी कि खर्चे कम होंगे तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो बस यहाँ पर हमें ये चीज़ समझा रखी है। तो देखो, इन्वेस्टर टुडे हैव एन ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू डायरेक्ट प्लान्स, सिंस द डायरेक्ट प्लान्स डू नॉट इनिटेल डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस, दे हैव मे अ लोअर एक्सपेंस रेशियो। यानी कि आजकल के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्हें क्या है, उन्हें यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक है। अब डायरेक्ट प्लान में यहाँ उन्हें किसी कमीशन देना नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रोकर बीच में है ही नहीं, तो उन्हें कमीशन नहीं देना पड़ता। तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट क्या पड़ता है कि उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पे कम पड़ जाता है। एक्सपेंस रेशियो जैसे ही कम पड़ता है, उनका रिटर्न ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक्सपेंस रेशियो तक ही पढ़ाने वाली थी। अब जो मेरा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी लास्ट वीडियो कल में जो मैं बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।